जय श्री राम। प्रिय मित्रों, हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा ये विषय कर्म और उनके फल पर आधारित है। यहाँ हम इस वीडियो का प्रथम पार्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। कर्म का सिद्धांत अकाट्य है, जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है, चाहे राजा हो या रंक, सेठ हो या नौकर। अरे, स्वयं भगवान भी अवतार लेकर क्यों ना आए, कर्म का अकाट्य सिद्धांत उनको भी स्वीकार करना पड़ता है। आप कर्म करने में सावधान रहो, ऐसे कर्म ना करो जो आपको बांधकर नरकों में ले जाएं। किंतु अभी जो पूर्व कर्मों का फल मिल रहा है उसमें आप प्रसन्न रहें, चाहे मीठे फल मिले, चाहे खट्टे फल या कड़वे फल, प्रसन्नता से उन्हें बीतने दो। यदि मीठे फलों से संघर्ष किया तो खटास या कड़वापन बढ़ जाएगा, अतः सबको बीतने दो। पहले जो कर्म किए हैं उनका फल मिल रहा है तो उसे बीतने दो, उसमें सत्य बुद्धि ना करो। जैसे गंगा का पानी निरंतर बहता रहता है, वैसे ही सारी परिस्थितियां बहती चली जा रही हैं। जो सदा सर्वदा रहता है उस परमात्मा में प्रीति करो और जो बह रहा है उसका उपयोग करो। कर्म की गति बड़ी ही गहन है। गीता के 4th अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मणो हे अपि बोधवयम् बोधवयम् च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधवयम् गहना कर्मणो गति। अर्थात कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्म ऐसे करें कि कर्म विकर्म ना बने, दूषित या बंधन कारक ना बने, वरन अकर्म में बदल जाए, कर्ता अकर्ता हो जाए और अपने परमात्म पद को पा ले। अहमदाबाद में वासना नामक एक इलाका है, वहाँ एक इंजीनियर रहता था जो नहर का कार्यभार भी संभालता था। वही आदेश देता था कि किस क्षेत्र में पानी देना है। एक बार एक किसान ने एक लिफाफे में 100-100 रुपए की 10 नोटें देते हुए कहा, साहब कुछ भी हो पर फलाने व्यक्ति को पानी ना मिले, मेरा इतना काम आप कर दीजिए। साहब ने सोचा, 1000-1000 रुपए मेरे भाग्य में आने वाले हैं, इसीलिए यह दे रहा है, किंतु गलत ढंग से रुपए लेकर मैं क्यों कर्म बंधन में पड़ूं? 1000 रुपए आने वाले होंगे तो कैसे भी करके आ जाएंगे, मैं गलत कर्म करके 1000 रुपए क्यों लूं? मेरे अच्छे कर्मों से अपने आप रुपए आ जाएंगे। अतः उसने 1000 रुपए उस किसान को लौटा दिए। कुछ महीनों के बाद इंजीनियर एक बार मुंबई से लौट रहा था। मुंबई से एक व्यापारी का लड़का भी साथ बैठा था। वह लड़का सूरत आकर जल्दबाजी में उतर गया और अपनी अटैची गाड़ी में ही भूल गया। वह इंजीनियर समझ गया कि अटैची उसी लड़के की है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकी, अटैची लावारिस पड़ी थी। उस इंजीनियर ने अटैची उठा ली और घर ले जाकर खोली, उसमें से पता और टेलीफोन नंबर लिया। इधर सूरत में व्यापारी का लड़का बड़ा परेशान हो रहा था कि हीरे के व्यापारी के इतने रुपए थे, इतने लाख का कच्चा माल भी था, किसको बताएं? बताएंगे तब भी मुसीबत होगी। दूसरे दिन सुबह सुबह फोन आया कि आपकी अटैची रेलगाड़ी में रह गई थी जिसे मैं ले आया हूँ, और मेरा यह पता है, आप इसे ले जाइए। बाप बेटा गाड़ी लेकर वासना पहुंचे और साहब के बंगले पर पहुंचकर उन्होंने पूछा, साहब आप ही ने फोन किया था? साहब आप तसल्ली रखें, आपका सब सामान सुरक्षित है। साहब ने अटैची दी। व्यापारी ने देखा कि अंदर अभी सब माल सामान एवं रुपए ज्यों के त्यों हैं। ये साहब नहीं भगवान है, ऐसा सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसका दिल भर आया। उसने कोरे लिफाफे में कुछ रुपए रखे और साहब के पैरों पर रखकर हाथ जोड़ते हुए बोला, साहब फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी ही सही, हमारी इतनी सेवा जरूर स्वीकार करना। साहब ने पूछा, 1000 रुपए रखे हैं ना? व्यापारी ने कहा, साहब आपको कैसे पता चला कि 1000 रुपए हैं? साहब ने कहा, 1000 रुपए मुझे मिल रहे थे बुरा कर्म करने के लिए, किंतु मैंने वह बुरा कार्य यह सोचकर नहीं किया कि यदि 1000 रुपए मेरे भाग्य में होंगे तो कैसे भी करके आएंगे। व्यापारी ने कहा, साहब आप ठीक कहते हैं, इसमें 1000 रुपए ही हैं। जो लोग टेढ़े मेढ़े रास्ते से कुछ ले लेते हैं
वे तो दुष्कर्म कर पाप कमा लेते हैं, लेकिन जो धीरज रखते हैं वे ईमानदारी से उतना ही पा लेते हैं जितना उनके भाग्य में होता है। एक अन्य सत्य घटना इस प्रकार है, जो एक जाने माने साधु ने एक महात्मा को सुनाई थी। यहाँ गया जी में एक बड़े अच्छे जाने माने पंडित रहते थे। एक बार नेपाल नरेश साधारण गरीब मारवाड़ी जैसे कपड़े पहनकर पंडितों के पीछे भटका कि मेरे दादाजी का पिंडदान करवा दो, मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं हैं, हाँ थोड़े से लड्डू लाया हूँ, वही दक्षिणा में दे सकूंगा। जो लोभी पंडित थे उन्होंने तो इनकार कर दिया, लेकिन वहाँ का जो जाना माना पंडित था उसने कहा, भाई पैसे की तो कोई बात नहीं है, मैं पिंडदान करवा देता हूँ। फटे चीथड़े कपड़े पहने गरीब मारवाड़ी के वेश में छुपे हुए नेपाल नरेश के दादाजी का पिंडदान उन पंडित जी ने करवा दिया। पिंडदान संपन्न होने के बाद नरेश ने कहा, पंडित जी पिंडदान करवाने के बाद कुछ ना कुछ दक्षिणा तो देनी चाहिए, मैं कुछ लड्डू लाया हूँ, मैं चला जाऊँ उसके बाद यह गठरी आप ही खोलेंगे, इतना वचन दे दीजिए। अच्छा भाई तू गरीब है, तेरे लड्डू मैं खा लूंगा, वचन देता हूँ कि गठरी भी मैं ही खोलूंगा। नेपाल नरेश चला गया। पंडित ने गठरी खोली तो उसमें एक एक किलो के सोने के 19 लड्डू निकले। वे पंडित अपने जीवन काल में बड़े बड़े धर्मकार करते रहे, लेकिन सोने के वे लड्डू खर्च में आए ही नहीं। जो अच्छा कार्य करता है उसके पास अच्छे काम के लिए कहीं न कहीं से धन वस्तुएं अनायास आ ही जाती हैं। अतः 19 किलो के सोने के लड्डू ऐसे ही पड़े रहे। आप भी जब कर्म करें तो अकर्ता होकर करें, ना कि कर्ता होकर। कर्ता भाव से किया गया कर्म बंधन में डाल देता है एवं उसका फल भोगना ही पड़ता है। राजस्थान के ढोगरा गांव तहसील सुजानगढ़ जिला चुरू की घटना है। एक बकरे को देखकर ठकुराइन के मुंह में पानी आ गया। वह अपने पति से बोली, देखो जी यह बकरा कितना हृष्ट पुष्ट है। बकरा पहुंच गया ठाकुर किशन सिंह के घर और हलाल होकर उनके पेट में भी पहुंच गया। 12 महीने के बाद ठाकुर किशन सिंह के घर बेटे का जन्म हुआ। बेटे का नाम बाल सिंह रखा गया। वह 13 साल का हुआ तो उसकी मंगनी हो गई एवं 14वां पूरा होते होते शादी की तैयारी भी हो गई। शादी के वक्त ब्राह्मण ने गणेश पूजन के लिए उसको बिठाया, किंतु यह क्या, ब्राह्मण विधि शुरू करे उसके पहले ही लड़के ने पैर पसारे और लेट गया। ब्राह्मण ने पूछा, क्या हुआ क्या हुआ? कोई जवाब नहीं आया। माँ रोई, बाप रोया, सारे बाराती इकट्ठे हो गए, पूछने लगे कि क्या हुआ। लड़के ने कहा, कुछ नहीं हुआ है, अब तुम्हारा मेरा लेखा जोखा पूरा हो गया है। पिता ने कहा, वह कैसे बेटा? लड़का बोला, बकरियों को गर्भाधान कराने के लिए उद्रासर के चारण कुंवरदान ने जो बकरा छोड़ रखा था उसको तुम ठकुराइन के कहने पर उठा लाए थे, वही बकरा तुम्हारे पेट में पहुंचा और समय पाकर तुम्हारा बेटा होकर पैदा हुआ। वह बेटा लेना देना पूरा कर अब जा रहा है। राम राम। बकरे की काया से आया हुआ पाल सिंह तो रवाना हो गया, किंतु किशन सिंह सिर कूटते रह गए। तुलसीदास जी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल उचाखा। तो हम कर्म कैसे करें ये बताते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से गीता में कहते हैं, तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भलीभांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। गीता में परमात्मा प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और निष्काम कर्म मार्ग। शास्त्रों में मुख्यतः 2 प्रकार के कर्मों का वर्णन किया गया है, विहित कर्म और निषिद्ध कर्म। जिन कर्मों को करने के लिए शास्त्रों में उपदेश किया गया है उन्हें विहित कर्म कहते हैं, और जिन कर्म को करने के लिए शास्त्रों में मनाही की गई है उन्हें निषिद्ध कर्म कहते हैं। किए हुए शुभ या अशुभ कर्म कई जन्मों तक मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ते। पूर्व जन्मों के कर्मों के जैसे संस्कार होते हैं वैसा फल भोगना पड़ता है। कर्मों की गति बड़ी ही गहन होती है। कर्मों की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वे तो जड़ हैं। उन्हें पता नहीं है कि वे कर्म हैं, वे वृत्ति से प्राप्त होते हैं। यदि विहित संस्कार होते हैं तो पुण्य प्रतीत होता है,
और निषिद्ध संस्कार होते हैं तो पाप प्रतीत होता है। सुबह जल्दी उठकर थोड़ी देर के लिए परमात्मा के ध्यान में शांत हो जाना और सूर्योदय से पहले स्नान करना, संध्या वंदन इत्यादि करना, ये कर्म स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छे हैं और सात्विक होने के कारण पुण्यमय भी हैं। परंतु किसी के मन में विपरीत संस्कार पड़े हैं तो वह सोचेगा, इतनी सुबह उठकर स्नान करके क्या करूँगा। ऐसे लोग सूर्योदय के पश्चात उठते हैं, उठते ही सबसे पहले बिस्तर पर चाय की मांग करते हैं और बिना स्नान किए ही नाश्ता कर लेते हैं। शास्त्रानुसार यह निषिद्ध कर्म है। ऐसे लोग वर्तमान में भले ही अपने को सुखी मान लें, परंतु आगे चलकर शरीर अधिक रोग शोक ग्रस्त होगा। यदि सावधान नहीं रहे तो तमस के कारण नारकीय योनियों में जाना पड़ेगा। विहित कर्म से धर्म उत्पन्न होगा, धर्म से वैराग्य उत्पन्न होगा। पहले जो रागाकार वृत्ति आपको इधर उधर भटका रही थी, वह शांत स्वरूप में आएगी तो योग हो जाएगा। योग में वृत्ति एकदम सूक्ष्म हो जाएगी तो रितंबरा प्रज्ञा बन जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो जिस विधि से जैसा जैसा कार्य करता है उसे वैसा वैसा फल मिलता है। किसी दुष्ट ने आपको चाकू दिखा दिया तो आप थाने में उसके खिलाफ शिकायत करते हैं। कोई आपको केवल मारने की धमकी देता है तब भी आप उसके विरुद्ध शिकायत करते हैं। लेकिन डॉक्टर न कोई आपको धमकी देता है न चाकू दिखाता है, बल्कि चाकू से आपके शरीर की काट छांट करता है, फिर भी आप उसे फीस देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य अच्छा था। उद्देश्य था मरीज को ठीक करना, न कि बदला लेना। ऐसे ही आप भी अपने कर्मों का उद्देश्य बदल दो। आप भोजन बनाओ लेकिन मजा लेने के लिए नहीं, बल्कि ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए बनाओ। परिवार के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए भोजन बनाओगी तो वह आपका व्यावहारिक कर्तव्य हो जाएगा। लेकिन परिवार वालों की, पति की और बच्चों की गहराई में मेरा परमेश्वर है, ऐसा समझकर परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए भोजन बनाओगी तो वह बंदगी हो जाएगा, पूजा हो जाएगा, मुक्ति देने वाला हो जाएगा। कर्म फल पर आधारित एक और सत्य घटना इस प्रकार है। पाकिस्तान के सखर में साधु बेला नाम का एक आश्रम था। रमेश चंद्र नाम के एक आदमी को उस समय के एक संत ने अपनी जीवन कथा सुनाई थी और कहा था कि मेरी यह कथा सब लोगों को सुनाना, मैं संत कैसे बना यह समाज में जाहिर करना। वह रमेश चंद्र बाद में पाकिस्तान छोड़कर मुंबई में आ गया। उस संत ने अपनी कहानी उसे बताते हुए कहा था, जब मैं गृहस्थ था तब मेरे दिन कठिनाई से बीत रहे थे, मेरे पास पैसे नहीं थे। एक मित्र ने अपनी पूंजी लगाकर रुई का धंधा शुरू किया और मुझे अपना हिस्सेदार बनाया। हम रुई खरीद कर उसका संग्रह करते और मुंबई में बेच देते। धंधे में अच्छा मुनाफा होने लगा। एक बार हम दोनों मित्रों को वहाँ के एक व्यापारी ने मुनाफे के 1,00,000 रुपए लेने के लिए बुलाया। रुपए लेकर हम वापस आ रहे थे। रास्ते में एक सराय में रात्रि गुजारने के लिए हम रुके। आज से 60-70 वर्ष पहले की बात है। उस समय का 1,00,000, जिस समय सोना 60-70 रुपए तोला था। मैंने सोचा 1,00,000 में से 50,000 तो मित्र ले जाएगा। हालांकि धंधे में सारी पूंजी उसी ने लगाई थी, फिर भी मुझे मित्र के नाते आधा हिस्सा दे रहा था। तो भी मेरी नीयत बिगड़ गई। मैंने उसे दूध में जहर मिलाकर पिला दिया, लाश को ठिकाने लगाकर अपने गांव चला गया। मित्र के कुटुंबी मेरे पास आए, तब मैंने नाटक किया, आंसू बहाए और उनको 10,000 रुपए देते हुए कहा, मेरा प्यारा मित्र रास्ते में बीमार हो गया, एकाएक पेट दुखने लगा, काफी इलाज किए लेकिन वह हम सबको छोड़कर विदा हो गया। 10,000 रुपए देकर उन्हें लगा कि यह बड़ा ईमानदार है, 20,000 मुनाफा हुआ होगा, उसमें से 10,000 दे रहा है। उन्हें मेरी बात पर यकीन आ गया। बाद में तो मेरे घर में धन वैभव हो गया, 90,000 मेरे हिस्से में आ गए थे। मैं जलसा करने लगा, मेरे घर पुत्र का जन्म हुआ, मेरे आनंद का ठिकाना न रहा। बेटा कुछ बड़ा हुआ कि वह किसी असाध्य रोग से ग्रस्त हो गया। रोग ऐसा था कि उसे स्वस्थ करने में भारत के किसी डॉक्टर का बस न चला।
मैं अपने लाडले को स्विट्जरलैंड ले गया, काफी इलाज करवाए, पानी की तरह पैसा खर्च किया, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। मेरा करीब करीब सारा धन नष्ट हो गया और धन कमाया वह भी खर्च हो गया। आखिर निराश होकर बच्चे को भारत में वापस ले आया, मेरा इकलौता बेटा। अब कोई उपाय नहीं बचा था। डॉक्टर वैद्य हकीमों से इलाज चालू रखे, रात्रि को मुझे नींद नहीं आती और बेटा दर्द से चिल्लाता रहता। एक दिन बेटा मूर्छित सा पड़ा था, उसे देखते देखते मैं बहुत व्याकुल हो गया और विहल होकर उससे पूछा, बेटा तू क्यों दिनों दिन क्षीण होता चला जा रहा है, अब तेरे लिए मैं क्या करूं? मेरे लाडले, तेरा या बाप आंसू बहाता है, अब तो अच्छा हो जा पुत्र। मैंने नाभि से आवाज देकर बेटे को पुकारा तो वह हंसने लगा। मुझे आश्चर्य हुआ कि अभी तो बेहोश था, फिर कैसे हंसी आई। मैंने उससे पूछा, बेटा एकाएक कैसे हंस रहा है? जाने दो, नहीं नहीं बता क्यों हंस रहा है। आग्रह करने पर आखिर वह कहने लगा, अभी लेना बाकी है इसलिए मैं हंस रहा हूँ। मैं तुम्हारा वही मित्र हूँ जिसे तुमने जहर देकर मुंबई की धर्मशाला में खत्म कर दिया था और उसका सारा धन हड़प लिया था। मेरा वह धन और उसका सूद मैं वसूल करने आया हूँ। काफी कुछ हिसाब पूरा हो गया है, केवल 500 रुपए बाकी हैं। अब मैं आपको छुट्टी देता हूँ, आप भी मुझे इजाजत दो, ये बाकी के 500 रुपए मेरी उत्तर क्रिया में खर्च कर डालना, हिसाब पूरा हो जाएगा, मैं जाता हूँ, राम राम। और बेटे ने आंखें मूंद ली, उसी क्षण वह चल बसा। मेरे दोनों गालों पर थप्पड़ पड़ चुका था, सारा धन नष्ट हो गया और बेटा भी चला गया। मुझे अपने किए हुए पाप की याद आई तो कलेजा छटपटाने लगा। जब कोई हमारे कर्म नहीं देखता तब भी देखने वाला मौजूद है। यहाँ की सरकार अपराधी को शायद नहीं पकड़ेगी, तो भी ऊपर वाली सरकार तो है ही, उसकी नजरों से कोई नहीं बच सकता। मैंने बेटे की उत्तर क्रिया करवाई, अपनी बची खुची संपत्ति अच्छी अच्छी जगहों में लगा दी और मैं साधु बन गया। आप कृपा करके मेरी यह बात लोगों को कहना, मैंने जो भूल की है ऐसी भूल वे ना करें, क्योंकि यह पृथ्वी कर्म भूमि है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फलु चाखा। कर्म का सिद्धांत अकाट्य है, जैसे कांटे से कांटा निकलता है, ऐसे ही अच्छे कर्मों से बुरे कर्मों का प्रायश्चित होता है। प्रारब्ध तीन प्रकार के होते हैं, मंद प्रारब्ध, तीव्र प्रारब्ध और तर तीव्र प्रारब्ध। मंद प्रारब्ध को तो आप वैदिक पुरुषार्थ से बदल सकते हैं, तीव्र प्रारब्ध आपके पुरुषार्थ एवं संतों महापुरुषों की कृपा से टल सकता है, लेकिन तर तीव्र प्रारब्ध में जो होता है वह होकर ही रहता है। कर्म करने के बाद फिर पश्चाताप करने से कुछ लाभ नहीं होता, इस पर आधारित एक सत्य घटना सुनते हैं। सन 1947 से पहले की बात है, पिलखुआ गांव, जिला गाजियाबाद में दलवीर खां नामक एक मुसलमान बढ़ई ने 100 रुपए में किसी राजपूत से एक हरा पीपल का वृक्ष खरीदा। इस सौदे में ईसाक खां नामक दूसरा बढ़ई हिस्सेदार था। दोनों ने सोचा कि इसे काट बेच कर जो धन आएगा उसे बराबर भागों में दोनों बांट लेंगे। वृक्ष में जान होती है, कभी किसी कारण से ऊंची आत्माओं को वृक्ष की योनि में आना पड़ता है, वे आत्माएं समझदार और कार्यशील होती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। पीपल की जीवात्मा दलबीर खां के स्वप्न में आई। पीपल कह रहा था, तुम मुझे काटने वाले हो, मेरी मृत्यु हो जाएगी। तुमने मुझे 100 रुपए में खरीदा है और जो भी मुनाफा होगा वह सब मैं तुम्हें लौटा देता हूँ। मेरी जड़ में एक जगह तुम खोदोगे तो तुमको सोने की शलाका मिलेगी, उसे बेचकर तुम्हें जो मुनाफा होगा उससे तुम्हारा सारा खर्च निकल जाएगा, इसलिए कृपा करके मुझे कल काटना मत, मुझे प्राणों का दान देना। दलवीर खां को इस स्वप्न पर यकीन नहीं हुआ, फिर भी उसने उस बात को आजमाने के लिए स्वप्न में जहाँ खोदने के लिए संकेत मिला था वहाँ खोदा तो सचमुच सोने की शलाका निकल आई। वह अपनी अपार खुशी को गुप्त न रख सका और बीवी को जाकर बता दिया। बीवी भी आश्चर्यचकित हो उठी। दलवीर खां ने सोचा कि यह बात यदि अपने मित्र को बता दूंगा तो सोने की शलाका के आधे भाग की वह मांग करने लगेगा। वह मानवता से च्युत हो गया
और आधा हिस्सा बचाने के लोभ में शलाका प्राप्त की घटना को छुपाए ही रहा। जब इसहाक खां उसके पास आया, तब उसके साथ वह पीपल काटने के लिए चल पड़ा। दलवीर खां ने मानवता को दूर रख दिया। निस्वार्थता, लोभ रहितता व निष्कामता मनुष्य से हटकर दानव जैसी दुखदायी योनियों में भटकाते हैं। जहाँ स्वार्थ है वहाँ आदमी असुर हो जाता है, और जहाँ निष्कामता है वहाँ उसमें सुरत्व जाग उठता है। मनुष्य ऐसा प्राणी है जो चाहे तो सुर हो जाए, चाहे तो असुर हो जाए, और चाहे तो सुर असुर दोनों जिससे सिद्ध होते हैं उस सिद्ध स्वरूप को पाकर जीवन मुक्त हो जाए। यह मनुष्य के हाथ की बात है। वह अपने ही कर्मों से भगवान की पूजा कर सकता है और अपने ही कर्मों से कुदरत का कोप भाजन भी बन सकता है। पहले नियम था कि जो हरा वृक्ष काटना चाहे वह पहले गुड़ बांटे। उसके साथ में दो चार और भी साथी हो गए, सबको गुड़ बांटा। ज्यों ही पीपल पर कुल्हाड़ा चलाया तो लोगों ने देखा कि पीपल में से खून की धार फूट निकली। सब हैरान हुए कि वृक्ष में से खून की धारा। फिर भी दलवीर खां लोभ के अंधेपन में यह नहीं समझ पा रहा था कि रात को इसने मुझसे प्राणदान मांगा था। यह कोई साधारण वृक्ष नहीं है, और इसने मुझे सुवर्ण के रूप में अपना मूल्य भी चुका दिया है। दलवीर खां स्वार्थ से इतना अंधा हो गया था कि रक्त की धार देखकर भी उसे भान नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसने तो कुल्हाड़े पर कुल्हाड़े चलाना जारी रखा। जो स्वार्थ अंध बनकर किसी पर जुल्मों सितम ढाता है, उसे प्रकृति तक्षण परिणाम देती है। ज्यों ही उसने उस निर्दोष वृक्ष पर कुल्हाड़े मारना शुरू किया, त्यों ही उसका स्वस्थ सुंदर युवान बेटा, जिसके नाखून में भी रोग या बीमारी का नामो निशान नहीं था, वह एकाएक पीड़ा से कराते हुए गिर पड़ा। उधर पीपल में से रक्त की धार निकली, और इधर बेटे के शरीर से रक्त प्रवाहित हो चला। उधर वृक्ष की शाखा का काटना था, इतने में दलवीर खां की आंखों के तारे उसके बेटे का अंत हो गया। शाम को जब दलवीर खां घर आया, तब घर पर गांव के समस्त लोगों को इकट्ठे शोकमग्न देखा। दलवीर खां को देखकर उसकी पत्नी चिल्ला उठी, बेटा तेरा हत्यारा तो स्वयं तेरा या बाप है। उसने सारा भांडा फोड़ते हुए कह दिया, रात को पीपल का संकेत मिला था, सोने की शलाका भी मिली थी, और स्वार्थ में पड़कर शलाका तो ले ली। जो 100 रुपए खरीदने में लगाए थे और जो मुनाफा होने वाला था स्वर्ण शलाका से, इसे उससे भी अधिक द्रव्य मिल गया था। फिर भी इसने पीपल के साथ अन्याय किया। कुदरत ने उसी अन्याय का बदला चुकाया है। ज्यों ही पीपल को काटा, त्यों ही मेरे बेटे के बदन से खून की धार निकल चली। हे स्वार्थ में अंधे हुए मेरे पति, तुमने ही अपने बेटे का खून किया है। और वह फूट फूट कर रुदन करने लगी। प्रायः स्वार्थ में अंधा होकर आदमी कुकर्म कर बैठता है, और जब उसको उसका फल मिलता है तब वह पछताता है, मगर बाद में पश्चाताप से क्या लाभ। प्रिय मित्रों, हमारे इस वीडियो का ये पहला पार्ट था। इसका अगला पार्ट भी अवश्य देखें।